नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस साल मोटोरोला स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ द ईयर बन सकता है और उसका प्रूफ आपके सामने आज इंडिया पे लॉन्च किया है मोटोरोला G40 और G60 दोनों स्मार्टफोन एकदम परफेक्ट प्राइस में लॉन्च हुआ है। मतलब इससे बेटर प्राइस में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी ऐसा स्पेसिफिकेशन लॉन्च भी कर सकता है और वो काम मोटोरोला ने कर दिया है। ये जो मोटोरोला G60 इसमें हमें लगभग सभी के सभी स्पेसिफिकेशन रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के जैसा लगता है लेकिन प्राइस भी उससे 2000 रुपये कम है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका बजट 18000 रुपए तो आपके लिए आज के दिन में कौन सा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया है। ये जो मोटोरोला G60 ये बेटर है या फिर 2 महीने पहले लॉन्च हुआ जो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स वो बेटर है, इस वीडियो में ये चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन को हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर को देख के। मोटोरोला G60 इसका 2 कलर लॉन्च हुआ है, एक ग्रे और एक येलो टाइप का एक कलर, और Redmi Note 10 Pro Max का 3 कलर अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और ब्रॉन्ज। अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो मोटोरोला पे आपको मिलता है पीछे पॉलीकार्बोनेट बैक कवर, Redmi Note 10 Pro Max पे आपको पीछे मिलता है ग्लास बैक कवर। देखिए ऑब्वियसली अगर कोई स्मार्टफोन के पीछे ग्लास बॉडी मिलता है तो वो स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील करवाता है, लेकिन इससे हम जब स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तो उसमें एक रिस्क भी होता है क्योंकि ज़िंदगी में हम जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं एटलीस्ट एक बार ना एक बार तो वो हाथ से ज़रूर गिरता है, और अगर ग्लास बॉडी वाला कोई स्मार्टफोन हमारे हाथ से गिरेगा तो गारंटीड फ्रंट में तो कुछ नहीं होगा, पीछे का जो ग्लास कवर वो डेफिनेटली टूट जाने का खतरा है। अगर दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, मोटोरोला का थिकनेस है 9.6 मिलीमीटर और इसका वेट है 220 ग्राम, और Redmi Note 10 Pro Max का थिकनेस है 8.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 192 ग्राम। अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, मोटोरोला पे आपको मिलेगा 6.76 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज, और Redmi पे आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और इसका भी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। दोनों स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सेम 89% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। मोटोरोला पे कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन है इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन Redmi पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर दोनों के सीपीयू के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको एक्जैक्टली सेम स्नैपड्रैगन 732G सीपीयू इस्तेमाल हुआ है जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, और दोनों स्मार्टफोन का जो एंटूटू स्कोर वो है 2,85,000 के आसपास। इसके बाद अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, मोटोरोला पे आपको मिलेगा 108, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और फ्रंट में मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं, और Redmi पे आपको मिलेगा 108, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और फ्रंट में मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। इधर जो 108 मेगापिक्सल सेंसर है दोनों पे एग्जैक्टली सेम है जो कि है सैमसंग HM2 सेंसर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन का जो मेन सेंसर वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फ्रंट कैमरा के मामले में इधर ऑब्वियसली मोटोरोला का ये जो 32 मेगापिक्सल कैमरा है बेटर है। और इधर मैं आपको एक और चीज़ कह देता हूँ, आपने तो जरूर सुना होगा मोटोरोला का जो G सीरीज, इस सीरीज का एक मेन खासियत है कि इसमें मोटोरोला बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन करता है। अगर दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, मोटोरोला G60 एक ही वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 6GB रैम 120GB वेरिएंट, Redmi Note 10 Pro Max का 3 वेरिएंट अवेलेबल है, 6 64GB, 6 120GB और 8 120GB। Redmi पे आपको 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब 2 SIM कार्ड और 1 HD कार्ड हम सेम टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोटो पे आपको 1+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब हाइब्रिड सिम का स्लॉट देखने को मिलता है। मोटोरोला G60 और Redmi दोनों पे रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मोटोरोला G60 में मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.1, लेकिन Redmi पे मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.2। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ऑडियो के बारे में, मोटोरोला G60 में ऑडियो में कौन सा एनहांसमेंट है अभी तक इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये चीज मैं आपको कह सकता हूँ, मोटोरोला अपने हर एक स्मार्टफोन में कोई स्पेशल ऑडियो एनहांसमेंट तो जरूर देता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। लेकिन Redmi Note 10 Pro Max में आपको मिलेगा डुअल स्टेडियो स्पीकर विदाउट कोई ऑडियो एनहांसमेंट। इसके बाद अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, मोटोरोला पे आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, उसके साथ 20W का फास्ट चार्ज, और Redmi पे आपको मिलेगा 5020mAh बैटरी, उसके साथ 33W का फास्ट चार्ज, और दोनों पे जो कनेक्टिविटी वो है USB Type-C। अगर OS के बारे में बात करें,
देखिए दोनों ही स्मार्टफोन में इधर तो आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, मतलब अभी एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन मोटोरोला पे मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड UI और रेडमी पे आपको मिलेगा MIUI वर्जन 12। अब देखिए मोटोरोला पे जो स्टॉक UI इस्तेमाल हुआ है इसका दो बेनिफिट है। पहला, जब भी गूगल की तरफ से कोई नया सिक्योरिटी अपडेट आएगा तो आपके फोन में सबसे पहला ये सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा, और जो दूसरा वो है स्टॉक UI बाकी कोई भी कस्टम UI के मुकाबले ऑलमोस्ट बग फ्री और लैग फ्री होता है। तो इसके बाद अगर हम फाइनली दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, मोटोरोला G60 के जो 6 120 GB वेरियंट इसका प्राइस है 18,000 रुपये और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का 6 64 GB का प्राइस है 19,000, 6 120 GB का प्राइस है 20,000 और 8 120 GB का प्राइस है 22,000 रुपये। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, जैसे भी इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आपका बजट है 18,000 रुपये और अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में रेडमी के साथ जाते तो आपको मिलेगा प्रीमियम ग्लास बॉडी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज, डुअल स्टीरियो स्पीकर, फास्ट चार्जर, IR ब्लास्टर। लेकिन अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में नहीं 1,000 रुपये कम प्राइस में अगर मोटोरोला G60 के साथ जाते तो आपको मिलेगा बिगर डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी सेल्फी कैमरा, बिगर बैटरी, NFC, स्टॉक एंड्रॉयड और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको 64 GB एक्स्ट्रा इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है कम्पेयर टू रेडमी। अब देखिए इस जगह में अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, हाँ ये मैं मानता हूँ कि 19,000 रुपये में रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स आपको बहुत सारे फीचर दे रहा है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ फालतू है। जैसे कि अगर फोन में ग्लास बॉडी होता है तो वो दिखने में तो बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इससे फोन का जो ओवरऑल वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और हमारे हाथ से स्लिप करने का सबसे ज्यादा चांस होता है। और अगर ग्लास बॉडी वाला कोई स्मार्टफोन हाथ से गिरता है तो वो गारंटीड पीछे का जो कवर वो टूट जाएगा। रेडमी पे ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्मार्टफोन में होना ही चाहिए। अगर रेडमी के UFS 2.2 के साथ मोटोरोला के UFS 2.1 का कंपैरिजन करें तो देखिए मैंने UFS 2.1 वाला और UFS 2.2 वाला दोनों स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस मुझे लगा ही नहीं। हाँ अगर मैं दोनों स्मार्टफोन को एकदम पास पास रख के अगर वो साइड बाई साइड ऐप ओपनिंग वाला मैं कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियसली UFS 2.2 UFS 2.1 से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होगा लेकिन ज्यादा नहीं, बस एक या डेढ़ सेकंड का ही ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर हम मोटोरोला G60 के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, आपको इसमें कुछ ऐसा एडवांटेज देखने को मिलता है जो कि एक स्मार्टफोन के सबसे फंडामेंटल फीचर्स है, जैसे कि बिगर डिस्प्ले। 20,000 के अंदर जो भी स्मार्टफोन अवेलेबल है उसमें से सबसे बड़ा डिस्प्ले हमें इस मोटोरोला G60 में देखने को मिलता है। 20,000 के प्राइस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा कैमरा जो कि 32 MP कैमरा वो भी आपको देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा बैटरी अवेलेबल है 6000 mAh बैटरी और जो कि सेफ और सेफ पोको X में अवेलेबल है जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। 6000 mAh बैटरी आपका भी मिलता है, NFC का सपोर्ट मिलता है। NFC उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते और एक कोरोना के टाइम में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए NFC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको स्टॉक एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस मिलता है। तो यही रीजन की वजह से मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट है आज के दिन में 18,000 रुपये तो मेरे ख्याल से मोटो G60 से बेटर ऑप्शन आपको अगले 4 या 5 महीने पे कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए मोटोरोला G60 स्मार्टफोन का 100% रिकमेंडेशन है और ये टोटली अनबीटेबल स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, ये जो 18,000 रुपये में मोटोरोला G60 लॉन्च हुआ है क्या इससे बेटर स्मार्टफोन आपको और कोई लग रहा है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।